Yeah, it's a winter. It's a winter. It been snowing like the season. It's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. It's the winter. My body getting freezing. It's the winter. It's the winter. Yeah, 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 yeah. It's the winter. It's the winter. It been snowing like the season. It's the winter. It's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. It's the winter. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज एक साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब एक सिंगल क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ दिया हुआ है तब किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। बट सबसे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज इज पावर। आपका थोड़ा सा सहयोग हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू। हाँ दोस्तों, हम लोग जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। बॉट फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर ₹3,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 50% कैश इमीडिएटली। तो देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, सबसे पहले तो आप हेडिंग कर देना कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ये दिखाने के बाद फिर आप लोग एक फॉर्मेट बनाना पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें कैलकुलेशंस होंगे और इन कैलकुलेशंस के थ्रू ही हम लोग पूरा क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा वो हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो गुड्स का लिस्ट प्राइस जितने का दिनेश से खरीदा गया था वो आप शो करिए यहाँ पे 3000 इस तरीके से। फिर आप ट्रेड डिस्काउंट को निकाल लो। ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, यानी कि 10 / 100 होगा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 3000 के साथ इंटू कर दीजिएगा, यानी कि लिस्ट प्राइस के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिस्ट प्राइस के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3000 × 10/100। उसको आप इस कॉलम में शो करिए, अमाउंट वाले कॉलम में। फिर 3000 में से इस 300 को लेस करिए तो आपका नेट प्राइस शो हो जाएगा, निकल जाएगा 2700। इस तरीके से आप नेट प्राइस को निकाल लेना। फिर आप इस नेट प्राइस के ऊपर 50% कैलकुलेशन कर लेना 50% का, क्योंकि इतना अमाउंट दिनेश को पे करने का ट्राई किया गया, कोशिश किया गया। तो 50% टू बी पेड इन कैश, तो 50 / 100 × 2700 दैट इज 1350। तो ये अमाउंट यहाँ पे शो कर दीजिए ₹1350। अब इस अमाउंट का आपको 2% निकालना होगा, तो आप लिखो 2% ऑफ पेमेंट इन कैश, तो दैट इज 2 / 100 × 1350। तो ये अमाउंट आएगा ₹27। इस 27 rupees को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे लिखो कैश डिस्काउंट, ठीक है, आउटर कॉलम में। तो अमाउंट वाले कॉलम में 27 rupees शो करो और इस कैश डिस्काउंट को लेस करो। किससे माइनस करना है आपको, ये जो 50% टू बी पेड इन कैश वाला अमाउंट है उससे आपको माइनस कर देना। तो 50% टू बी पेड इन कैश इज 1350 लेस कैश डिस्काउंट हम लोग को मिल गया 27 rupees। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट इन कैश निकल जाएगा 1300। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बिजनेस के बुक्स में क्या होगा वो देखिए। बिजनेस यहाँ से दिनेश जो कि एक सेलर है उसे गुड्स खरीद रहा है, तो हम लोग जब भी गुड्स खरीदते हैं तो वी शो परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बाद कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना और दिनेश अकाउंट को क्रेडिट करना। नरेशन हम लोग दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश अंडर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट 2% पर। अब देखिए कौन सा फिगर कहाँ जाएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम लोग यहाँ पे परचेजेस अकाउंट के बगल में शो करेंगे नेट प्राइस। तो व्हाट इज द नेट प्राइस, तो नेट प्राइस देखिए यहाँ पे दिया हुआ हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2700 rupees। तो आप यहाँ पे जब जर्नल एंट्री करोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 2700 rupees शो कर देना। कैश अकाउंट के बगल में आप शो करना एक्चुअल पेमेंट इन कैश,
जो कि है यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया है, एक्चुअल पेमेंट इन कैश 1,323 रुपीज हम लोग का कैलकुलेट किया हुआ था, तो ये अमाउंट कैश के बगल में आप शो करेंगे। अच्छा, इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड के बगल में आप शो करना कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट का अमाउंट आप देखो 27 रुपीज आया था हम लोग का, वो और डिस्काउंट रिसीव्ड के बगल में शो कर देंगे। इसके अलावा इस दिनेश के बगल में बैलेंसिंग फिगर लिखा जाए, बैलेंसिंग फिगर यानी जो बचेगा डेबिट टोटल में से क्रेडिट के जितने भी आइटम्स हैं सबको माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज 50% 2700 रुपया का हम लोगों ने माल खरीदा था, उसमें से टोटल 50% का तो हम लोगों ने पेमेंट कैश में कर दिया या डिस्काउंट हम लोगों ने रिसीव कर लिया, तो 1350 रुपीज का तो आप सोचो कि पेमेंट आपका क्लियर हो गया। तो 2700 में से 1350 रुपीज अगर आप माइनस कर देते हो तो 1350 रुपीज बचता है, तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर जो कि दिनेश के बगल में आपको शो कर रहा है। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए जब भी हम लोग कोई गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग को सामान मिलता है, तो हम लोग जनरल रूल अप्लाई करते हैं, गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसके हिसाब से हम लोग परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिए क्योंकि गुड्स आया, तो इसीलिए 2700 रुपया का हम लोगों ने माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। कैश गया, हम लोगों ने पेमेंट कर दिया दिनेश को, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग जा रहा है यहाँ पे, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,323 रुपीज दे दिए। इसके बाद हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग के लिए इनकम है, यहाँ इसका गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो आप डिस्काउंट रिसीव को यहाँ पे क्रेडिट कर दो 27 रुपीज से, और दिनेश अकाउंट को क्रेडिट करना है जो बैलेंसिंग फिगर है क्योंकि दिनेश हम लोगों को दिया गुड्स, तो यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसने हम लोग को गिवर है तो इसने हम लोग को पैसा हम लोग को गुड्स दिया, इसलिए दिनेश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जा रहा है 1,350 रुपीज से। तो आई होप द वीडियो इज क्लियर, अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, दैट इज नॉलेज इज पावर। थैंक यू।